नमस्कार, आज हम बिहार का प्रसिद्ध रोस्टेड बैंगन आलू और टमाटर का भरता बना रहे हैं। इसे चोखा भी कहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है लिट्टी और सत्तू के पराठे के साथ खाने के लिए। इसे आप वैसे रोटी या राइस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ बैंगन लिया है, 3 टमाटर, 6 आलू मीडियम साइज़ के और थोड़े से कच्चे लहसुन। तो आप ऐसे बैंगन में क्रॉस करके आप कट कर दें इसमें, और इसमें जो लहसुन की कलियां हैं हम वो डाल देंगे। जो नुकीला साइड है आप उससे, वो वाली साइड से आप डाल दें तो लहसुन आपका रोस्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि आपको लहसुन पकाना ही है। अगर आप इसमें डाल देते हैं तो साथ में ही ये पक जाता है। तो इसमें सारी सब्जियां हम रोस्ट करके डालते हैं। आलू अगर आप चाहें तो बॉईल भी कर सकते हैं, पर आज मैं रोस्ट कर रही हूँ तो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और बैंगन और टमाटर में थोड़ा सा आप हाथों में तेल ले लें, मस्टर्ड ऑयल या कोई भी रेगुलर ऑयल, और आप लगा दें। ये ऑप्शनल है, बिना ऑयल लगाए भी चलेगा। हम इसे आज एयर फ्रायर में रोस्ट कर रहे हैं, तो जितनी भी सामग्री आएगी मैं डाल दूंगी। 2 राउंड में मैं पका रही हूँ। तो सारी चीज़ों को आप इसमें डाल दें। टमाटर काफ़ी जल्दी पक जाता है एज़ कम्पेयर टू बैंगन और आलू। तो ये हम एयर फ्राई में डाल के 400 पे हम सेट करेंगे 20 मिनट के लिए। तो आपका बैंगन और आलू का साइज़ क्या है इस पे टाइम डिपेंड करता है, 20 से 25 मिनट लगेगा। और हम थोड़ी से लहसुन के पत्ते यूज़ करेंगे। तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत आसान है घर पे लगाना। लहसुन की कलियाँ आप किसी भी बॉक्स में, गमले में आप डाल दें और बहुत ही जल्दी ये उग जाता है। तो ये देखिए, मेरे घर पे ही मैंने ये लगाया हुआ है। आप जहाँ भी लहसुन खाते हैं आप यूज़ करें, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, आलू का आपको ऐसे चेक करना है, नाइफ अगर पूरा चला जा रहा है इसका मतलब ये पक गया है। तो सारी सब्जियाँ मेरी पक चुकी हैं। टमाटर जल्दी पक जाता है नॉर्मली 5 to 8 मिनट्स में, तो आप वैसे देख करके आप निकाल लें। तो सारी चीज़ें जो हो गई हैं, अब हमें इसका छिलका निकाल लेना है, टमाटर का, आलू का और बैंगन का। देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, आप ऐसे इसका सारा छिलका निकाल लें। और जो टमाटर है आप जब इसका छिलका निकाल, ये बैक साइड जो है आप इसे चाकू से कट कर दें, तो टमाटर का जो भी जूस निकलेगा और बैंगन का भी जूस निकलता है, आप जब अगर इसे छीलेंगे तो उसे आप फेंके नहीं, हम उसे यूज़ करेंगे। क्वांटिटी आलू और टमाटर का, इट्स ऑल अप टू यू। कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही डालना है। आपको स्वाद जितना पसंद है आप उस हिसाब से आलू की क्वांटिटी और टमाटर, आपको खट्टे कितने पसंद है आप डालें। तो इस तरह करके हम सारे छिलके निकाल लेंगे। और बैंगन आप जब छिलेंगे देखेंगे अंदर में लहसुन भी आपका पक चुका है, आप उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए बैंगन का भी पानी निकला है, तो मैंने वही बताया कि आप इस पानी को फेंके नहीं, ये डंठल आप कट करके निकाल दें और आप इसे खोल करके चेक कर सकते हैं बैंगन सब ठीक है, अंदर कुछ खराब तो नहीं है। ये लहसुन जो है आप उसे लेके मैश कर दें और ये सारी चीज़ें हम एक बर्तन में डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से मैश करना है। तो या तो आप मैशर की सहायता से आप मैश करें, या किसी फोर्क से, बड़े स्पून से, या हाथों से भी आप सारी चीज़ों को मैश कर सकते हैं। देखिए ये आलू हमारा रोस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद लगता है रोस्टेड आलू होने से। गांव देहात में नॉर्मली इसे लोग आग में पकाते हैं, जब जो लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, या विंटर के टाइम में जब आग लगा के बैठते हैं बूसी वगैरह में, तो उसमें ये डाल दिया जाता है और ये पक जाता है। जो सब्जियां और जो हमें डालनी है कच्ची चीज़ें, प्याज है, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन के पत्ते और कच्ची लहसुन, थोड़े से और मैं कच्चे लहसुन डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ों को आप इसमें डाल दें। तो मैंने जैसे कहा आप लहसुन कच्चा भी डाल सकते हैं, आप पकाने के वक्त भी आप पका लें जब हम रोस्ट कर रहे हैं सब्जियाँ। इसमें थोड़ा सा ये मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, 1 to 2 स्पून, आपको कैसा स्वाद पसंद है मस्टर्ड ऑयल का, और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक आप ये डाल दें और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें कोई और एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं है। नॉर्मली बैंगन भरता इंडिया के जो दूसरे पार्ट में बनाते हैं आप उसे अच्छे से फ्राई करके डालते हैं, तो बिहार में ये जो बनाते हैं हम इसे फ्राई नहीं करते। सारी चीज़ें हमने रॉ डाली है रोस्टेड सब्जी में, तो इसलिए ये बहुत ही हेल्दी है, खाने में भी स्वाद लगता है। तो ये देखिए ये हमारा बन गया। ये बहुत ही पॉपुलर है लिट्टी के साथ खाने के लिए और सत्तू का पराठा, मैंने जैसा कहा। तो ये हमारा बन के रेडी है। नॉर्मली आप दाल राइस के साथ भी इसे खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बन गया है, कैसा दिख रहा है। इसे मैंने सत्तू के पराठे के साथ आज सर्व किया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सत्तू के पराठे का, आप फॉलो कर सकते हैं।
और लिट्टी वगैरह भी हम कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं आप इससे, तो आप लिंक चेक कर लें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंजॉय दिस डिश। थैंक यू।